हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आज आपको जो टॉपिक करवाने जा रही हूँ, डैट इज़ द थ्योरी ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस। इसको मैंने पहले से सिंप्लीफाई किया है, अपडेट किया है। इसके जो रिटन नोट्स हैं वो भी आपको मेरे ब्लॉग पे जो है एक आधे दिन के अंदर मिल जाएंगे। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और उसी के साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इकोनॉमिक्स का ऑलमोस्ट मैंने जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, सारा सिलेबस इसके अंदर कवर किया हुआ है। तो यहाँ पे अपडेटेड सीरीज़ के अंदर क्या है कि मैं इसको थोड़ा सा बेटर और सिंप्लीफाई बना रही हूँ। तो जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं, यूटिलिटी एनालिसिस का भी मैंने जो पार्ट है वो अपडेट करके डाला हुआ है। जो लेटेस्ट प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपको सारे जो टॉपिक्स हैं लेटेस्ट मिल जाएंगे, वो है सीए और सीएस की फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स। वैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर भी सारा कुछ मैंने डाला हुआ है, बट अगर आपने अपडेटेड लेक्चर्स देखने हैं तो वहाँ पे आपको सीए फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर, सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो थ्योरी ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस की जब हम सबसे पहले हम देखते हैं कि थ्योरी ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस है, डैट इज़ गिवन बाय पॉल ए सैमसन इन 38। यहाँ पे उन्होंने कंजम्पशन थ्योरी इन टर्म्स ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस आर्टिकल के अंदर इस थ्योरी को डेवलप किया था। 47 के अंदर ये थ्योरी ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस उनकी बुक फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर आई। तो यहाँ पे उन्होंने जो बेसिकली जो सैमसन की थ्योरी ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस है, ये एक बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है, क्योंकि ये ऑब्जर्व्ड मार्केट बिहेवियर के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि यूटिलिटी एनालिसिस और जो इंडिफरेंस कर्व है इंट्रोस्पेक्शन पे है, यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन नहीं है, सब्जेक्टिविटी नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी है, क्योंकि यहाँ पे जो थ्योरी डेवलप की गई है डैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दी ऑब्जर्व जो एक्चुअल में बिहेवियर होता है उसके बेसिस पे किया जाता है। और इसको बिहेवियरिस्टिक ऑर्डिनलिस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो यूटिलिटी है वहाँ पे हम यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर ये लेते हैं अजम्पशन के उसको मेयर कर सकते हैं, यहाँ पे हम ऐसी कोई अजम्पशन नहीं लेते। और उसी तरह ही देखो जो थ्योरी ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस है, यहाँ पे सैमसन ने लॉ ऑफ डिमांड को डायरेक्ट और सिंपल तरीके से क्या है कि एक्सप्लेन किया है। उसने प्राइस इफेक्ट को इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के अंदर भी ब्रेक किया है, और वो अप्रोच जो है इंडिफरेंस कर्व से डिफरेंट है। यहाँ पे जो थ्योरी ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस है ये प्रेफरेंस हाइपोथीसिस के बेसिस पे है, जिसके बेसिस पे थ्योरी ऑफ डिमांड जो है डिवेल्प की गई है। और देखो यहाँ पे क्या है कि कंज्यूमर के पास चॉइस होती है कि कौन सी कमोडिटी को वो किसके मुकाबले में प्रेफर करता है, क्योंकि कंज्यूमर की जो है जैसे लिमिटेड इनकम होती है, गिवन प्राइसेस होती हैं। तो यहाँ पे हम दो कॉम्बिनेशन जैसे एक्स एंड वाई कॉम्बिनेशन जो है, तो यहाँ पे दो कमोडिटीज़ का कॉम्बिनेशन है, तो कौन सी जो कॉम्बिनेशन है किसको वो प्रेफर करता है, तो यहाँ पे वो जो कॉम्बिनेशन प्रेफर करता है तो वहाँ पे क्लियर शब्दों के अंदर क्या है कि अपने स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस को डिपिक्ट करता है। कि जैसे मान लो वहाँ पे उसके पास दो कॉम्बिनेशन है ए और बी, और ए को प्रेफर करता है, तो वो स्ट्रांगली अपनी प्रेफरेंस जो है डिपिक्ट करता है कि उसने बी को ए के मुकाबले में रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे ए को वो बी के मुकाबले में प्रेफर करता है, तो वो हो सकता है कि ए को पसंद भी करता हो, या ये भी हो सकता है कि ए गुड जो है बी गुड्स के मुकाबले में सस्ती हो। तो रिवील प्रेफरेंस वाले पर्टिकुलर कलेक्शन ऑफ गुड इम्प्लाइज कि ही वांट्स टू गेट द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द यूटिलिटी, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर जो है हमारा रैशनल है। कंज्यूमर जो है अपनी प्रेफरेंस फॉर पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स जो है, जो भी उसके पास चॉइस होती है वहाँ पे शो करता है, जो भी उसके लिमिटेड बजट कंस्ट्रेन होते हैं, जो भी वो दो गुड्स की जो प्राइसेस होती हैं, तो यहाँ पे जो वो प्रेफरेंस शो करता है वो उसके एक्चुअल बिहेवियर को डिपिक्ट करती है। रियल प्रेफरेंस जो है डैट इज़ एन एनालिसिस ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर, जो एक कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करता है कि जो वो चॉइस एक्चुअल में करता है, जो भी उसकी गिवन प्राइस और इनकम सिचुएशन होती है। तो यहाँ पे ये जो थ्योरी ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस है ये उसके ऑब्जर्व बिहेवियर पे है, जो कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंस को डिपिक्ट करता है। अब हम यहाँ पे अजम्पशन लेते हैं कि देखो यहाँ पे सैमसन ने ये नहीं कहा कि उसका जो ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी है, यहाँ पे उसने कहा कि जो कंज्यूमर है ही इज़ रैशनल, वो हमेशा वो कॉम्बिनेशन प्रेफर करता है जिसके अंदर ज़्यादा कमोडिटीज़ की मात्रा होती है। और सैमसन ने ये भी कहा कि जो कंज्यूमर है वो जो प्रेफरेंस शो करता है वो क्लियरली उसको पता होता है कि
रीज़न पता होता है कि क्यों उसने इसको प्रेफर किया है, और वो हर सिचुएशन के अंदर, जैसे ए को हमने बी के मुकाबले में प्रेफर किया है, तो इन एवरी सिचुएशन ही विल प्रेफर ए ओवर बी। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं ट्रांजिटिविटी, जैसे ए को बी के मुकाबले में प्रेफर करता है, बी को सी के, सी को डी को, तो हम कह सकते हैं कि ए को डी के मुकाबले में प्रेफर किया है। तो उसका सिंगल एक्ट ऑफ च्वाइस है, इसका अर्थ होता है कि कंज्यूमर जो है उसको परमिट किया गया है कि वो अपनी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ए के लिए सेवरल टाइम जो है अपनी च्वाइस जो है एक्सरसाइज कर सकता है, और कंज्यूमर जो है फ्रीक्वेंटली जो भी कॉम्बिनेशन होते हैं उसके अंदर से एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करता है। और यहाँ पे जो रिवील्ड प्रेफरेंस है वो इस चीज़ के ऊपर बेस्ड है कि यहाँ पे कंज्यूमर ने अपनी प्रेफरेंस जो है डिपिक्ट की है कि वाई को, कि वो क्यों इसको प्रेफर कर रहा है, और बंडल जो है उसको वो नेसेसरी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे, जो भी वो बंडल चूज़ करता है वो नेचुरली, इसका मतलब है कि उसने दूसरों के मुकाबले में इसको प्रेफर किया है। और यहाँ पे हम ये भी अजम्पशन लेते हैं कि पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी है, जिसका अर्थ होता है ज़्यादा इनकम पे ज़्यादा डिमांड, और जो कि पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी से हम ये भी डिड्यूस कर सकते हैं कि प्राइस और जो डिमांड है उसके बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, टेस्ट उसके कांस्टेंट होते हैं, और कंज्यूमर को हम मोटिवेट कर सकते हैं अगर उसकी प्राइस सफिशिएंट अट्रैक्टिव हो तो वो उस किसी भी बास्केट को परचेज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ द रिवील्ड प्रेफरेंस। तो यहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर के बेसिस पे हम लॉ ऑफ डिमांड, मार्शलिन डिमांड थ्योरी ड्राइव कर सकते हैं। हमें पता है कि देखो कंज्यूमर जो है एक गुड्स को क्यों प्रेफर करता है, क्यों परचेज़ करता है, या तो वो उनको पसंद करता है या वो दूसरों के मुकाबले में सस्ती हैं, दोनों सिचुएशन के अंदर वो अपनी प्रेफरेंस को डिपिक्ट करता है। यहाँ पर जो कंज्यूमर च्वाइस करता है, जो भी मार्केट के अंदर वो चीज़ें परचेज़ करता है, वो उसकी प्रेफरेंस को शो करती हैं। तो यहाँ पे वो इंडिफरेंट नहीं होता, यहाँ पे जो थ्योरी ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस है इसका जो लॉजिक है कि वो अपना प्रेफरेंस जो है डिपिक्ट करता है। और उसी तरह ये देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये MN जो है डैट इज़ दी प्राइस लाइन, कि उसके पास इतनी लिमिटेड इनकम है तो उसके बीच में ये कॉम्बिनेशन, ये जो ओ है, ये M है, ये N है, और ये जो है एरिया ऑफ द चॉइस है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो यहाँ पे जो प्राइस लाइन के ऊपर जो कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, तो ये सी कॉम्बिनेशन नीचे है जो कि ए के मुकाबले में इन्फीरियर है, क्योंकि कंज्यूमर रैशनल है, वो ज़्यादा चीज़ों को प्रेफर करता है। अब देखो यहाँ पे बी कॉम्बिनेशन भी है, बट वो ए जो है उसको प्रेफर करता है, बी को वो नहीं प्रेफर करता, तो यहाँ पे ए को वो सी और बी के मुकाबले में प्रेफर करता है, और ये जो कॉम्बिनेशन है ये बाहर है बजट के बाहर, जो वो परचेज़ नहीं कर सकता, और उसके अंदर ए कॉम्बिनेशन के अंदर इतनी मात्रा वो वाई की परचेज़ करता है, इतनी मात्रा वो एक्स की परचेज़ करता है। तो उसी तरह क्या है कि हम इंडिफरेंस कर्व जो है यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये जो है हमारी प्राइस लाइन है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो उसने कॉम्बिनेशन जो है प्रेफर किया है, ये नीचे कॉम्बिनेशन लाई करता है जो कि इन्फीरियर है, और उसी तरह देखो ये जो है प्राइस लाइन ये है, इस पर ऊपर जो है ये एक बेटर कॉम्बिनेशन है, उसी तरह क्या है कि ये एक और प्राइस लाइन है यहाँ पे, इस तरह से आपने, तो यहाँ पे ये वाले जो देखो जो ऊपर वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये जो है ये जैसे एरिया है, ये वाला है, ये इसके मुकाबले में बेटर कॉम्बिनेशन है, और जो नीचे वाले हैं वो इन्फीरियर है। तो इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो ऊपर और नीचे दोनों के बीच में लाई करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस तरह से हम इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं, और ये जो है इंडिफरेंस इग्नोरेंस रीजन है, इसकी एक्सप्लेनेशन हम इस तरह से देख सकते हैं कि इनिशियल बजट लाइन MN है, कंज्यूमर उसके ऊपर X कॉम्बिनेशन जो है चूज़ करता है, जैसे ये कॉम्बिनेशन X वो चूज़ करता है, और U जो है नीचे लाई करता है, Y और Z जो है बेटर कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे जो है वो Y और Z जो है बेटर कॉम्बिनेशन है, तो ये कॉम्बिनेशन अपर शेडेड एरिया के ऊपर है जो कि X के मुकाबले में रेफर किए जाते हैं, लोअर शेडेड एरिया होते हैं जो वर्स्ट होते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व जो होता है X के अंदर से पास ऑन करता है, वो दोनों रीज़न के बीच में लाई होना चाहिए, जिसको हम इग्नोरेंस रीज़न भी कह सकते हैं। अब हम देखते हैं डिमांड थ्योरम
और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कंजम्पशन थ्योरम। देखो यहाँ पे सैमुअलसन ने मार्शियन लॉ ऑफ डिमांड जो है रिवील प्रेफरेंस से ड्राइव किया है। लॉ ऑफ डिमांड का अर्थ होता है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम तो प्राइस और डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशन होती है। इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव है तो इसका अर्थ होता है कि ज़्यादा इनकम है तो ज़्यादा डिमांड है, तो यही मार्शियन लॉ ऑफ डिमांड को डिपिक्ट करती है कि जो ज़्यादा प्राइस है तो लो डिमांड है, कम डिमांड है। अगर प्राइस ज़्यादा है तो लो डिमांड है, अगर प्राइस कम है तो ज़्यादा डिमांड है। तो उसी तरह डिमांड थ्योरम जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कंजम्पशन थ्योरी है। कोई भी गुड सिंपल या कंपोजिट, अगर तो देखो मनी इनकम बढ़ती है सिर्फ तो डिमांड बढ़ जाती है, या अगर सिर्फ प्राइस बढ़ती है तो डिमांड श्रिंक हो जाती है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कंजम्पशन थ्योरी के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट कहता है कि अगर मनी इनकम के अंदर सिर्फ इंक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है, जो कि इनकम और डिमांड को पॉजिटिव शो करता है। और उस तरह क्या है कि अगर सिर्फ प्राइस बढ़ती है तो डिमांड डिक्रीज हो जाती है। तो सैमुअलसन ये कहता है कि जो फर्स्ट कंडीशन है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, डैट इज़ द नेसेसरी कंडीशन फॉर दी सेकेंड वन। अब हम जो रिवील प्रेफरेंस है इसको दो सिचुएशंस के अंदर स्टडी करेंगे, एक फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी और सेकेंड जो है राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने इसको डायग्राम जो है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर लिया है। वहाँ पे आपने एक ही डायग्राम जो मैं बाद में आपको बताऊँगी कि वो आपने ड्रॉ करना है, ये मैंने पार्ट्स में इसलिए किया है ताकि स्टूडेंट को समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखो ए एफ जो है डैट इज़ दी ओरिजिनल प्राइस लाइन, तो यहाँ पे हम ये कॉम्बिनेशन प्रेफर कर रहे हैं। अब क्या होता है कि एक्स कमोडिटी जो है उसकी प्राइस जो है कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हम ये कॉम्बिनेशन जो है ई वन पे पहुंच जाते हैं। तो ये ई से ई वन जो है डैट इज द प्राइस इफेक्ट। अब देखो इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे मैंने जो है बता दिया कि हमने इतनी कमोडिटी जो है एक्स की लेनी है और इतनी कमोडिटी इसके अंदर वाई की है। इस तरह ये जो है यहाँ पे भी क्या है कि इतनी कमोडिटी जो है एन इवन एन वन जो है डैट इज़ दी, क्योंकि पहले से ज़्यादा, क्योंकि प्राइस ऑफ एक्स जो है रिड्यूस हो गया है तो ज़्यादा हम उसकी कमोडिटी परचेज़ कर सकते हैं। और उसी तरह यहाँ पे तीसरे पार्ट के अंदर क्या है कि देखो यहाँ पे पहले इस चीज़ को समझो, ये हमारी ओरिजिनल प्राइस लाइन है, फिर उसके बाद क्या है कि प्राइस ऑफ एक्स जो है रिड्यूस होगी, तो जिसकी वजह से प्राइस लाइन हमारी इधर शिफ्ट हो गई। तो यहाँ पे हमारा ये कॉम्बिनेशन ई था और यहाँ पे हमारा कॉम्बिनेशन ई वन है। अब क्या है कि देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कंपनसेशन वेरिएशन से, क्योंकि यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि हमने उससे जो एक्स्ट्रा वो चीज़ें परचेज कर सकता है वो एक्स्ट्रा इनकम उससे ले ली हमने, उसकी इनकम जो है उतनी कर दी जितना वो पहले जिसके अंदर कॉम्बिनेशन वो परचेज कर रहा था। तो इस तरह से हमारी इनकम लाइन जो है बिल्कुल इस लाइन के पैरेलल जो है आपने ड्रॉ करनी है। सॉरी एक मिनट, यहाँ पे ये प्राइस फॉल हो गई और उसके बाद क्या है कि बिल्कुल आपने जो है इस तरह से पैरेलल जो है इसके ये बिल्कुल पैरेलल जो है ड्रॉ करनी है। ये बिल्कुल जो है इस तरह से आपने पैरेलल जो है इसकी ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे देखो पहले जो हमारी थी ए एफ वन थी, फिर उसके बाद एक्स कमोडिटी की प्राइस रिड्यूस हो गई तो ए जी प्राइस लाइन शिफ्ट हो गई। फिर उसके बाद कंपनसेशन वेरिएशन से हमने क्या किया, ये अपने फाइनल जो है एग्ज़ाम के अंदर ड्रॉ करनी है। हमने उससे इनकम जो है वापस ले ली, क्योंकि हम चाहते थे कि वो उतने ही कॉम्बिनेशन जो वो पहले परचेज़ कर रहा था उतना ही परचेज़ करे। तो यहाँ पर हमने ये जो है प्राइस लाइन ड्रॉ की है जो कि बिल्कुल इसके पैरेलल होनी चाहिए ए जी के। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो या तो वो ई कॉम्बिनेशन परचेज करेगा अगर उसका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज़ीरो है, या वो ये करेगा क्योंकि क्योंकि प्राइस ऑफ एक्स जो है वो रिड्यूस हो गई है तो नेचुरली वो ज़्यादा जो मात्रा है उसको परचेज कर सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यहाँ पे देखो जो ई से ई वन की तरफ है ये प्राइस इफेक्ट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यहाँ से यहाँ तक की जो मूवमेंट है ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, और यहाँ से यहाँ तक जो मूवमेंट है ये इनकम इफेक्ट है। तो यहाँ पे मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी है। देखो ए एफ जो है डैट इज़ द ओरिजिनल प्राइस लाइन, कंज्यूमर वहाँ पे ई कॉम्बिनेशन जो है इस कॉम्बिनेशन को जो है वो प्रेफर करता है ई को, जिसके अंदर क्या है कि इतनी मात्रा जो है एक्स की है। और उसी तरह देखो यहाँ पे क्या है
कि कंज्यूमर जब ई कॉम्बिनेशन को प्रेफर करता है तो वो अपनी प्रेफरेंस को डिपिक्ट करता है। अब यहाँ पे देखो जो एक्स की प्राइस है वो कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से हमारी प्राइस लाइन जो है ई जी को शिफ्ट हो जाती है, तो वहाँ पे न्यू कॉम्बिनेशन ई वन है जिसके अंदर लार्ज क्वांटिटी ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे हमें पता है कि प्राइस इफेक्ट जो है सब्सिट्यूशन प्लस इनकम इफेक्ट होता है, तो यहाँ पे हम कंपनसेशन वेरिएशन करते हैं, उसके इनकम रिड्यूस करते हैं ताकि कंज्यूमर के पास उतनी ही इनकम रहे जिससे वो जितनी चीज़ें पहले परचेज कर रहा था उतनी ही करे, क्योंकि वाई की प्राइस के अंदर कोई चेंजेस नहीं आती, सिर्फ एक्स की प्राइस में चेंजेस आती हैं। तो यहाँ पे हम जो एक्स्ट्रा एक्स की जो प्राइस रिड्यूस हुई है तो जिससे वो ज़्यादा चीज़ें परचेज कर सकता है तो उतनी इनकम हम वापस ले लेते हैं। तो यहाँ पे ए वन एफ वन जो न्यू, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि ये ओरिजिनल है, फिर उसके बाद इस तरह से फिर हमने बिल्कुल इस लाइन के पैरेलल जो है यहाँ पे ड्रॉ करनी है जो कि ई कॉम्बिनेशन से पास करे। अब कंज्यूमर वहाँ पे क्या है कि देखो ई कॉम्बिनेशन को प्रेफर करेगा अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज़ीरो है, तो यहाँ पे ई वन एफ वन के ऊपर जो है जेड को अगर वो प्रेफर करता है जिसके अंदर लार्ज क्वांटिटी ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्स की जो डिमांड है जैसे ही एक्स की प्राइस रिड्यूस हुई वो इंक्रीज़ हो गई, तो इसका अर्थ है कि हम मार्शल जो लॉ है उसको ड्रॉ कर सकते हैं आसानी के साथ, डिड्यूस कर सकते हैं कि प्राइस रिड्यूस होने से डिमांड बढ़ गई है, और प्राइस इफेक्ट जो है उसका एल एम जो है डैट इज़ दी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और एम एन जो है डैट इज़ दी इनकम इफेक्ट। तो यहाँ पे मैंने आपको, तो यहाँ से यहाँ जो मूवमेंट है ये सब्स्टिट्यूशन है और यहाँ से यहाँ जो है वो इनकम इफेक्ट है। तो ये हमने फॉल इन दी प्राइस के बीच में अंडरस्टैंड की है। अब हम राइज इन दी प्राइस ऑफ दी कमोडिटी, तो यहाँ पे भी मैंने क्या है कि जो डायग्राम है उसको तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है ताकि आपको आसानी के साथ समझ में आ जाए कि डायग्राम को ड्रॉ कैसे करना है। पहले तो देखो यहाँ पे लेबल करना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे एक्स कमोडिटी है, यहाँ पे वाई कमोडिटी है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारी जो है ए एफ जो है पहले, क्योंकि ये राइज इन द प्राइस है तो ये हमारी ओरिजिनल प्राइस जो है लाइन है, और उसके बाद क्या होता है कि हमारी जो एक्स कमोडिटी है इसकी प्राइस जो है राइज हो जाती है, तो पहले यहाँ पे वो ई कॉम्बिनेशन परचेज कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसको क्या करते हैं, क्योंकि प्राइस के अंदर राइज हुआ है तो जिसकी वजह से क्या है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम ओवर कंपनसेट करते हैं, उसको हम एक्स्ट्रा इनकम जो है प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये पहली प्राइस लाइन है, उसके बाद प्राइस राइज हो गई तो यहाँ पे ये शिफ्ट हो गई। अब हमने क्या करना है थोड़ा सा इसको, क्योंकि उसको हमने एक्स्ट्रा इनकम देनी है ताकि वो जितना पहले परचेज कर रहा था उतना ही परचेज करे, तो इस तरह से क्या है कि हमने जो है इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल जो है इस तरह से ये ए वन जो है एफ वन जो है हमने ड्रॉ करना है। तो अब हम देखते हैं कि देखो यहाँ पे क्या है कि अब इसकी एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो ए एफ जो है वो प्राइस लाइन है और ई कॉम्बिनेशन वो प्रेफर करता है, प्राइस ऑफ एक्स राइज कर जाती है, प्राइस ऑफ वाई रिमेन अनचेंज्ड। न्यू बजट लाइन जो है वो ए जी है, ये वाली है देखो ए जी है, ये वाली है, ये है, ठीक है। अब देखो जब उसको हमने एक्स्ट्रा इनकम दे दी तो ये बिल्कुल जो है इसके पैरेलल जो है हमने ये वाली लाइन के पैरेलल जो है ड्रॉ कर लेनी है, और उसी तरह ही देखो अब हम क्या करते हैं कि कंज्यूमर को क्योंकि हाई प्राइसेस हाई हो गई है तो उसको हम एक्स्ट्रा मनी देते हैं ताकि वो ई कॉम्बिनेशन को परचेज कर लेके, जिसको ओवर कॉम्पनसेशन इफेक्ट कहा जाता है, और जो जे आर हिक्स है वो कॉस्ट डिफरेंस कहते हैं। यहाँ पे हमने ए वन एफ वन जो है बिल्कुल पैरेलल जो है ए जी ड्रॉ की है, और उसी तरह हम देखते हैं कि ओरिजिनल कॉम्बिनेशन ई भी अवेलेबल है लेकिन वो जो है इस कॉम्बिनेशन ही विल नॉट चूज़ द कॉम्बिनेशन जो ई एफ वन सेगमेंट के राइट पे है वो उस कॉम्बिनेशन को नहीं लेगा। तो यहाँ पे कंज्यूमर जो है या तो वो ई को चूज करेगा या जेड को जिसके अंदर लेस क्वांटिटी ऑफ एक्स है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो अगर हम ई वन जो है अगर हम यहाँ पे जाते हैं, अगर हम उससे एक्स्ट्रा इनकम जो है रिमूव कर देते हैं तो हम देखते हैं कि वो इस कॉम्बिनेशन के ऊपर आ जाता है। अगर ये एक्स्ट्रा इनकम ले लेते हैं तो यहाँ पे वो ई वन कॉम्बिनेशन जो है परचेज करता है। तो यहाँ पे यहाँ पे हमें पता है कि जब प्राइस राइज हो जाती है तो जो है डिमांड कम हो जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो L से लेके N तक है डैट इज़ दी प्राइस इफेक्ट, जो L टू M है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, और M टू N जो है डैट इज़ दी इनकम इफेक्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो
देखो यहाँ पे जो यहाँ पे जो एल तक कहने हैं ये प्राइस इफेक्ट है, ये जो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, और ये जो है हमारा एम से जो एन है ये इनकम इफेक्ट है। तो इस तरह हमने दोनों सिचुएशन जो है अंडरस्टैंड कर ली है। अब हम देखते हैं कि इसका हमने अंडरस्टैंड कर लिया, अब हम देखते हैं कि इस जो थ्योरी ऑफ रियल प्रेफरेंस है इसकी मेरिट्स क्या है। देखो ये एक बिहेवियर एनालिसिस है जिसके बेसिस पे हम कंज्यूमर का बिहेवियर जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और ये एक्चुअल बिहेवियर जो है उसको देखते हुए हम उसकी प्रेफरेंस को देखते हुए उसका बिहेवियर जो है डिपिक्ट कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादा साइंटिफिक है, क्योंकि ये ऑब्जर्व बिहेवियर के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे यूटिलिटी जो है उसको हम ये नहीं लेते कि मेयर कर सकते हैं, सब्जेक्टिविटी नहीं लेते, और यहाँ पे रियलिस्टिक अजम्पशन है डिसकंटिन्यूटी के ये भी नहीं हम लेते कि पार्ट्स को हम छोटे छोटे हिस्सों में ले सकते हैं, और ना ही यहाँ पे ये अजम्पशन लेते हैं कि यूटिलिटी को मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे हम ये मानते हैं कि कंज्यूमर हमारा रैशनल है, मोर रियलिस्टिक है, क्योंकि ये अनरियलिस्टिक के ऊपर बेस नहीं है। और उसी तरह यहाँ पे ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए भी बेसिस है, क्योंकि जब हमने वेलफेयर सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है तो हमें पर कैपिटा मनी के अंदर क्या चेंजेस होती है रिलेटिव प्राइसेस के अंदर, और उसी तरह क्या है कि हमने कंज्यूमर प्रेफरेंस को भी देखना होता है। और ये जो है इकोनॉमिक स्टडीज़ के अंदर भी बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये एक्चुअल बिहेवियर के बेसिस पे है, तो ये हमें एक डायरेक्ट वे प्रोवाइड करती है जिसके बेसिस पे हम डिमांड कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं, और जिसके अंदर हमें यूटिलिटी के कंसेप्ट को जानने की आवश्यकता नहीं होती, जो कि इंट्रोस्पेक्टिव है, सब्जेक्टिव है। क्रिटिसिज्म इसका ये है कि देखो यहाँ पे जो है ये कहता है कि जो इंडिफरेंस का क्वेश्चन ही नहीं उठता, बट कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे जो है इंडिफरेंस होता है। ये हमेशा जो थ्योरी ऑफ फील्ड प्रेफरेंस है स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग पे चलती है, बट यहाँ पे सिंगल चॉइस पे है, तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि जो रियल लाइफ है उसके अंदर वीक ऑर्डरिंग भी होती है। और उसी तरह क्या है कि देखो ये पार्शली एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि जो चेंज इन प्राइस की वजह से डिमांड में क्या चेंजेस होती हैं, तो ये इन्होंने इंडिफरेंस की पॉसिबिलिटी को रूल आउट किया है, बट इन्होंने इनकम इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट को जो है डिफ्रेंशिएट नहीं किया, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को इग्नोर किया है। और इस तरह यहाँ पे इन लोगों ने वो चीज़ें स्टडी की है जहाँ पे पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी है, या जहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी जीरो है या नेगेटिव है, जैसे गिफन गुड्स है, तो वहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे चॉइस जो होती है उसकी प्रेफरेंस को शो नहीं करती। यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन रिस्क और अनसर्टेंटी के होते हैं उनको इग्नोर किया है। और उसी तरह क्या है कि देखो यहाँ पे जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है उसको इन्होंने कंपेयर ही नहीं किया, कंपैरिजन नहीं कंसिडर किया। तो यहाँ पे जो कंटेम्प्रेरी थ्योरी ऑफ वेलफेयर है उस थ्योरी को ये डिस्ट्रॉय करती है। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है जो थ्योरी ऑफ विल प्रेफरेंस के अगेंस्ट लगाया गया है।